ये रेखा किसी किसी को यहीं से रहती है। अरे भाई यहां स्वस्थान से प्रारंभ होना नियम क्या यानी पहचान स्थान से, हाँ वो नियम लागू नहीं है। अर्धवले हाँ अर्धवले तो है क्या है फिर क्या कमी है, हाँ कमी तो है, यहां से यहां तक रेखा नहीं है। रेखा नहीं का मतलब प्रारब्ध नहीं है। अगर हृदय रेखा ही नहीं हो तो उनका दिल धड़कता क्या नहीं, बिना हृदय धड़के तो जीवित नहीं रह सकता है। हृदय धड़कन होते हैं, हृदय होता है, हृदय रेखा दिखाई नहीं पड़ती है। मतलब ये कारक यहाँ तक लागू नहीं होंगे, न भक्ति न नीति न न्याय न प्रेम न शुभ न उच्चाएँ है जीवित है जीवित है, कुछ है क्या कुछ नहीं। कब से चिमकेगा यहाँ से, इसको सप्तांश पद्धति से गणना कीजिए तो तब हिस्सा मिल जाएगा कि इस आयु से बुद्धि का विकास होगा या हृदय का विकास होगा। ठीक है ऐसा भी कह सकते हैं, नहीं यहां से बस यहां से यहां तक मूर्खी लगभग मूर्खी बोल सकते हैं उनको, कोई अंतर नहीं। क्या चाहता है भाई, उनकी कुछ इच्छाएं नहीं, क्या इच्छाएं होते धन वहां से प्रारंभ हुई है। ठीक है यहां कुछ लोगों को एक ऐसी रेखा रहती है बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। अरे इसके बारे में क्या बोलेंगे, आखिर बुद्धि रेखा है या कोई आड़ी रेखा नीचे गिरी हुई है या यहाँ से कोई उधर जा रही है, इस रेखा ये भी हृदय रेखा है, किधर देख रही है, इधर ही देख रही है। मगर अत्यंत कठिन चित्त बहुत धन वो धन भी पूरा नहीं कमा सकता, वो इच्छाएं बड़ी क्या फायदा। कठोर चित्त धन कमाने में अत्यंत कठोर, एक पैसा नहीं छोड़ेगा। अरे भाई एक ही पांच पैसे का सिक्का कम है ना, एक पैसा कम नीचे रख दीजिए मैं लूंगा, उतना कठिन चित्त रहता है। क्यों भाई, यहां से रेखा नहीं है इधर भी रेखा नहीं है, क्या इसको हम बदल नहीं सकते हैं? क्या पंडित जी का कोई पूजा है? पूजा की कोई जरूरत नहीं, चिंता करो बस, क्या अच्छे विचार कीजिए। देखिए ऐसे चित्र वाले देखिए, यहां से एक रेखा निकलेगी धीरे धीरे, 7, 14, 21 साल आ जाएगी रेखा, आकर रहेगी, विश्वास कीजिए मेरी बात। यानी विचारों से ब्रह्मा यहां में यहां आया, हमारे ब्रह्मा जिसको सहस्त्र स्थान कहते हैं, सहस्त्र स्थान में विराजित विपंची हमारी भाग्य का निर्माण करेंगे, भाग्य को लिखेंगे रेखाओं के रूप में, हृदयवान व्यक्ति बन जाएगा। कब? कुछ समय लगेगा। अच्छे विचार साकार रूप ले, आदर्श अलग है आचरण अलग है, विचार अलग है आचरण है, विचार है आचरण में नहीं साध्य नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते हम। बहुत बड़ी बड़ी इच्छा होती है कि मुझे 10 मंजिल वाले एक भवन बनाए, शक्ति तो होनी चाहिए ना, क्या मेरी इच्छा पूरी होगी ना, क्या इच्छा होकर क्या फायदा, चिंता धन की कांक्षा। 10 मंजिल के एक बहुत बड़ा क्या बोलते हैं होम बनाए, क्या फायदा, शक्ति नहीं है तो बहुत बड़े, मैं अपने एक पंख आ गए हवा में उड़ रहा हूं, उड़ेंगे थोड़ी, पंख है कहां से, कल्पनाएं हैं, कल्पनाओं से भवन बनाते, कल्पनाएं नहीं चेष्टाएं होनी चाहिए। कर्म से बताइए, विचारों से बताइए, ठीक निकाल दीजिए। कभी कभी बुद्धि से ही रेखा निकलती यहाँ जाती, वास्तव में यहाँ से यहाँ तक रेखा, कठिन चित्त है हाँ, थोड़ा आत्मविश्वास है, उस विश्वास से काम कर रहा बेचारा हाँ, कब से बहुत उम्र के बाद से कुछ कमा रहा हाँ, विश्वास तो है कुछ कमा रहा, जीरा हाँ जीरा, जीवन सफल है हाँ चल रहा, चलती का नाम गाड़ी है बुद्धि, हाँ बुद्धि तो अच्छी, बुद्धि के बल पर निकली हुई रेखा, आत्मविश्वास है थोड़ा, आत्मविश्वास को लेकर थोड़ा कमाएगा। बढ़ाइए अच्छे विचारों को, आत्मशक्ति भरिए, पर्वतों को हिला सकते हैं,
दुनिया घूमती दुनिया को एक मिनट रोक सकते हैं, दुनिया नहीं फिरती, घुमाइए फिरा सकते हैं हम, हमारे हाथ में हिमालय को पकड़, हिमालय पर्वत को लेकर अपने घर तक ला सकते हैं, ला सकते हैं विश्वास रखो, ओवर कॉन्फिडेंस, यस ओवर कॉन्फिडेंस। अरे थोड़ा प्रारंभ तो करो ना, पूरा हिमालय नहीं लाएंगे, कम से कम आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। बहुत सोचो, कम करो, मगर सफल रहेंगे। सोचेंगे नहीं, बड़े होकर भी कुछ नहीं कर सकते, विचारों पर निर्भर है। हमारे भाग्य को हम लिख ले सकते हैं, अगर एक हृदय रेखा पवित्र हो तो बस। हृदय रेखा टूटी फूटी सी दिखाई पड़ती है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि यहाँ की हृदय की पीड़ाएं होंगी बहुत, हृदय के धड़कन रुक जाएंगे, मार्ग बताते हैं, मृत्यु बताते हैं। विश्वास रखिए, मैं जीऊंगा, समझे, मृत्युंजय मृत्युंजय, मैं मृत्युंजय बन जाऊंगा, मृत्यु को जीतूंगा। टूटी हुई रेखा के स्थान पर एक लकीर, यहाँ भी कमियाँ, यहाँ यहाँ यहाँ। हृदय कैसा दुर्बल, हृदय के धड़कनों में अंतर, मृत्यु नहीं, जीवन भर सुखी क्या सुखी रह सकता है, हृदय के धड़कन ठीक नहीं, बुद्धि अच्छी है, जीवन अच्छी रेखा है, ठीक है, सब कुछ ठीक है, मगर ऐसी कमजोरियाँ होती हैं, विश्वास नहीं होता है कि कब तक जीवित रहूँगा, जीवित रहेंगे। मार्ग चिन्ह, अरे मार्ग चिन्ह तो तीन प्रधान रेखाओं पर, मृत्यु को रेखाओं के तीन प्रधान चिन्ह पर एक स्थान पर, गुणक चिन्ह गुणक चिन्ह गुणक चिन्ह, यव चिन्ह गुणक चिन्ह और नीचे उतरी हुई चिन्ह, हाँ तब बोल सकते हैं, मगर तीनों रेखाओं में देखनी चाहिए एक स्थान पर। देरी हो गई तो सप्तम से पदस्थ गिनेंगे, एकदम मृत्यु नहीं होगी, बीमार रहेंगे, कठिनाई जब होंगे मृत्यु होगी। ये रेखा कभी कभी ऐसी टूटी रहती है, ऐसी टूटी रहती है, ये तो मुश्किल की बात है भाई, यहां से कोई आ रेखा गोल घूमकर यूं नहीं आती, ये इन दोनों का मिलना भी कठिन है, फिर क्या करें, भगवान की दया, बुद्धि से काम लीजिए, भगवान क्या करेगा, यहां पर एक चतुर्भुज डाल देगा अच्छे विचार से, खत्म। वज्र रेखा है, अंगरक्षक रेखा है, सभी कठिनाइयों को दूर करने वाला चिन्ह है, जी कर रहेगा पूरा जीवन, हाँ फिर ये कट यहाँ कटी हुई है ना, हाँ इसको भी संभालेंगे यहाँ, हाँ ये भी बहुत काफी तंदुरुस्त, काफी तंदुरुस्त नहीं कह सकते, दोषों को मिटाकर वज्र संकल्प से सहज वज्र कवच बन के रक्षा दे सकता है ये चिन्ह, किंतु हृदय दुर्बलता, आत्मविश्वास कम, नीति कम, भक्ति कम, क्या भक्ति, कितने साल जीऊंगा, चलती है चलने दो, मरूंगा नहीं मरूंगा, बताया ना पंडित जी ने कि यहाँ चतुर्भुज है, अरे भाई तुम्हारे लिए दूसरी जीवन रेखा है वो भी रक्षा देती है, ठीक है। तो एक बहुत बड़ी आशा यही है कि पंडित जी ने कहा, शास्त्र ने कहा, शासन करता है शास्त्र, कि मैं जीऊंगा दुर्बल, टॉनिक लूंगा, कैप्सूल्स लूंगा, अरे भाई दवा कड़वी कड़वी दवा, कड़वी दवा को बच्चों को डालना कठिन है, डॉक्टर्स इतने बुद्धिशाली हैं कि शुगर कोटिंग दे देंगे, कैप्सूल बनाएंगे उसको, मुंह में अगर आ जाए मिठाई लगता, भीतर की दवा एकदम कड़वी, बस भीतर से कुछ कमजोर, ये कैप्सूल है, मीठा मीठा फल मिलेगा कैप्सूल में, और एक कड़वी दवा में, कड़वी गोली में कितना अंतर है देखिएगा, जीवन को
हृदय को कड़वा मत समझिए, मीठा समझिए, मीठे जीकर रहेंगे। मीठे जीकर रहना ही किसी का काम होता है। ठीक है, यहां ऐसी रेखाएं आ गई कि इधर फिर गई, फिर ये रेखा है। अरे भाई ये क्या रेखा, ये भी रेखा होती है। हाँ, देखते रहिए, आपके अनुभव में आ जाएगा। ये जिक्र रहेगा कदापि नहीं, कोई जोड़ेगा, जोड़ने का अवकाश भी नहीं है। मृत्यु होकर रहेगी, यहाँ क्या, ये मुंह इधर मोड़ा है, ये मतलब यहाँ तीन, यहाँ छः, वो उधर, ये इधर, क्या फायदा, जिक्र नहीं रहेगा। भगवान मैराकल ही कैन डू, भगवान परमेश्वर मृत्युंजय मंत्र जपिए। जीवन रेखा को पर कुछ पर ऐसी यानी प्रकंपन दीजिए, यानी दवाई लीजिए, डॉक्टर के यहाँ जाइए, आज नहीं कल नहीं, रेखा को रेखता देखते जाइए। चतुर्भुजाकार मेघ जिएगा, मरेगा नहीं, मृत्यु नहीं होगी। अरे क्या चमत्कार है, कितने बड़े डॉक्टर, डॉक्टर कहो भगवान को, भगवान स्वयं डॉक्टर के मन में घुस गए, अच्छी दवा दी गई, जी कर रहेगा। रेखाओं में गलतियां होती भी हैं, तो अच्छे विचारों से चलिए। कौन नहीं मरते हैं, मैं मरने वाला हूं, इस डर के मारे बिना काम किए रहते थोड़े ही है। जातस्य मरणम ध्रुवम, जिनका जन्म हुआ उनका मृत्यु होकर ही रही। मृत्यु के वश में जाना मानव का ही होता है, देवताओं के नहीं, मृत्यु लेकर ही जाएंगे। अच्छा ही है ना, वो अधिकार हमारा है, हमारा अधिकार है। विश्वास बढ़ाइए, सब ठीक, कुछ नहीं बुरा होगा। ऐसी रेखाएं किसी भी रेखाएं में क्यों ना होते हो, विश्वास रखिए, भला होगा।